परफेक्ट ब्राइड। पिछले शनिवार सिल्कीना ने नए सपनों, नई उम्मीदों और नए रिश्ते बनाने की चाहत लेकर गृह प्रवेश किया लक्स परफेक्ट ब्राइड में और पहले ही हफ्ते नए रिश्ते बनाने की शुरुआत भी कर दी। ये देखिए। लुकिंग गुड। थैंक यू। आपको लगता है 4 हफ्ते आपको ये बहुत है किसी को जानने के लिए? इंसान पहचानने के लिए बहुत है। ऑलमोस्ट हर एक लाइफ में ऐसा होता है कि कोई ना कोई उसकी लाइफ में कोई बंदा या बंदी ऐसी आती है जो जिसको थोड़े टाइम बाद बोलता है मुझे नहीं पता तू ऐसा होगा या तू ऐसी होगी। I totally agree with you. और I have no, मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए इसके लिए। बताओ लाइफ पार्टनर के बारे में बताओ। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, चीजों को समझने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। How romantic are you? ये भी मुझे पता नहीं because I am. ये तो पता होना चाहिए क्योंकि मैं रिलेशनशिप में अभी तक कभी पड़ी नहीं हूं तो मुझे इस बारे में पता नहीं है कि मैं भी होता है एक ड्रीम पर्सन होता है लाइफ में एक ड्रीम नथिंग लाइक इट। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं ड्रीम पर्सन और ड्रीम डेट के बारे में कभी नहीं सोचा है। जस्ट दैट कि जब मिलेंगे तब नेचुरल फ्लो में जो होता जाए वो ठीक है। सिल्कीना प्लीज मंच पर आ जाइए। एक हफ्ता बीत गया, कैसा रहा? सब कुछ अच्छा था मेरे लिए, पर मुझे लगता है कि एक एक मुलाकात ही मेरे साथ उनकी हो पाई। पर मैं शुक्रिया करूंगी मम्मी जी ऑफ द वीक का जो उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि मुझे एक ही हफ्ते में 2 कुंवरों से मिलने का मौका मिला। दोनों से मेरी मुलाकात हुई, काफी अच्छा लगा उनको जानकर। आपको ज्यादा अच्छा कौन लगा, यशदीप या विवेक? मैं कहूंगी विवेक ज्यादा हस्बैंड मटेरियल हैं बिकॉज एक बहुत मैच्योर हैं वो, लाइफ में काफी जो उनको अकम्पलिशमेंट्स मिल चुकी हैं। पर जहाँ यश हैं वहाँ उनकी थोड़ा मम्मा का डिसीजन ज्यादा चलता है, उनकी वो दोनों सुनते हैं मम्मा की। तो मैं इस बार ये चाहती थी कि मैं अगर मिलने भी जाऊँ तो दोनों माँ की रजामंदी से जाऊँ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे जाने तो दिया पर मैं नतीजे पे नहीं पहुंच पाई। विवेक की मम्मी जी आप बताइए, सिल्कीना ने अपनी राय बताई, अब आप क्या कहना चाहेंगी सिल्कीना के लिए? सिल्कीना से यही जरूर कहना चाहूंगी जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाना ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना हो और आप अपने आप को भी हर्ट करो और दूसरे बंदों को भी हर्ट करो। नहीं आंटी, बस वही है कि बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लूंगी, कोई जल्दी में नहीं लेना चाहती। भले ही खाली हाथ जाऊं पर किसी का दिल दुखा के नहीं जाऊंगी। यशदीप की मम्मी जी आप सिल्कीना से कुछ कहना चाहती हैं? अभी तो इतनी बात नहीं हुई उससे, लेकिन जितना भी उसको सुना है, समझा है, देखा है, वही जो मैंने पूजा में देखा था, जो भी बोलती हैं बड़ा सोच समझ के बोलती हैं। आपको सिल्कीना पसंद है कि नहीं पहले आप मुझे ये बताइए। अभी मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं कह सकती, अभी मुझे और जानना है थोड़ा। सिल्कीना हम उम्मीद करते हैं कि आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक योर सीट। सिल्कीना ने अपने दिल की बातें बताई लेकिन लक्स परफेक्ट ब्राइड में हर हफ्ते कुछ ऐसी मुलाकातें होती हैं जहां सिर्फ दिल ही बातें करते हैं। उन मुलाकातों को कहते हैं पॉन्स रोमांटिक मुलाकात। इस हफ्ते भी हमारे कुंवर और कन्याओं ने अपने दिलों की बातें की, कुछ हसीन मुलाकातें की। ये देखिए। क्या तुम इस चीज को प्यार का नाम दे सकते हो? अब अभी इस मोमेंट में प्यार की तरफ जा रहे हैं। प्यार की तरफ जा रहे हैं। प्यार करो चाहे ना करो, शादी तो मेरे से ही करोगे तुम, ठीक है? तो फिर अब तुम जो सोचना है सोचो। इतने क्वेश्चंस पूछ। देयर इज नो एस्केप। नो एस्केप एट ऑल। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है पता तुम? तुम अपनी तारीफ सुनना चाहते हो ना? नहीं, ताकि बोलो कि तुम्हारी भी आंखें बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, मेरी आंखें बहुत प्यारी। कैसी जिंदगी प्रेफर करेंगे आप हितेश चौहान के साथ? हर चीज होनी चाहिए, यू नो, स्पाइस भी होनी चाहिए लाइफ में, खट्टा मीठा हर चीज होनी चाहिए, नहीं कि हर समय स्वीट स्वीट। पर बताओ तुम्हें मेरी कौन सी बात पसंद है, मेरी तारीफ करो। वेरी क्यूट एंड ब्यूटीफुल और आई लाइक योर स्माइल। हां, तुम्हारे छोटे 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 से लिप्स। क्यों? वेरी छोटे छोटे से क्यूट।
द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि वाकई देयर वाज ओपननेस, बहुत ही मतलब प्यार था, मस्ती भी थी, देयर वाज, जैसे उन्होंने कहा कि देयर वाज स्पाइस, देयर वाज लव, देयर वाज एवरीथिंग. आई जस्ट थॉट इट वाज द बेस्ट एवर मुलाकात ऑफ फ्रेंड्स. मुझे ऐसा लगता है कि प्यार जो है वो छोटी छोटी बातों से बनता है. जैसे तुम्हारी कितनी छोटी छोटी लिप्स हैं, ये जो तुम्हारा छोटा सा कट है, ये जो तुम्हारी छोटी सी स्माइल है, तो ये छोटी छोटी बातें जब इंसान जब नोटिस करने लगता है तो वो सच्चा प्यार होता है. इसका मतलब प्यार हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है. जोरदार तालियां हो जाए. हो रहा है. ऐसी कई मुलाकातें लक्स परफेक्ट ब्राइड में अक्सर होती रहती है और पॉन्स रोमांस मीटर इन्हीं मुलाकातों में से किसी एक जोड़ी को चुनता है पॉन्स रोमांटिक जोड़ी ऑफ द वीक. तो चलिए देखते हैं इस बार पॉन्स रोमांस मीटर किस पर मेहरबान होता है. सो लेट्स सी द केमिस्ट्री एंड स्पार्क इन द एयर. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जितना जल्दी एज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाता है, आई रिस्पेक्ट द पर्सन अ लॉट. और कितना मिस किया? बहुत सारा मिस किया. वापिस नहीं आता अगर मिस नहीं करता. पता है अब ये सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको कभी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. आपकी आंखें सब कुछ बोल देती हैं. अभी तक तो मैं नहीं देख रही इधर उधर. मैं रिजल्ट अनाउंस करूं उससे पहले हितेश एक बार फिर से. नहीं नहीं हितेश वहीं से रूम्पा की तरफ एक फ्लाइंग किस. प्यार किया तो डरना क्या, क्यों मुंह छुपा रहे हो, सीधा कम ऑन. क्या बात है. एक बार उसे फिर से कहो ना मेरी तारीफ करो. चलो तारीफ करो मेरी. कम ऑन हितेश, क्या नई चीजें तुमने डिस्कवर की उसके अलावा जो तुमने वहां कहा था? सबसे पहले रूम्पा का एक सच्चा और प्यारा और सुंदर सा दिल. दूसरा उनकी वो जैसे बात करती हैं, जिस क्यूटली बात करती हैं, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुआ मुझे. मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो हस्ती खेलती हो, चुल 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 कुछ ना कुछ करती रहती हो, बस चुप ना बैठे. आंखें और छोटी छोटी सी लिप्स तो है ही बड़ी क्यूट इनके. चलिए इस हफ्ते पॉन्स रोमांस मीटर के मुताबिक पॉन्स रोमांटिक जोड़ी वीक है हितेश और रूम्पा की जोड़ी. आप लोग प्लीज मंच पर आ जाइए. आपके लिए कुछ खास तोहफे. रूम्पा ने तो कह दिया है कि वो इस मंच पर आपके साथ शादी होते हुए देख रही हैं. आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इस मंच पर तो मैं देख रहा हूं बिल्कुल. हितेश और रूम्पा एक साथ शादी इस मंच पर करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच हितेश. रूम्पा कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन.